पाकिस्तान की जान आलिया खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से, टिप टॉप मज़े में हूँ जी। आज पिशावर का प्लान है और अभी मैं जा रही हूँ अम्मी को पिक करने, और अम्मी काफ़ी सारी कॉल्स कर चुकी हैं क्योंकि अम्मी को जहाँ भी जाना होता है वो टाइम से जाती हैं। थोड़ी सी भी अगर देर हो जाए तो वो बार बार कॉल करती हैं क्योंकि अम्मी वक्त की काफ़ी पाबंद हैं। सो चलें बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अम्मी के ऑफिस और अम्मी को पिक करते हैं। पेशावर की नहर हमेशा भरी हुई होती है और ये मंज़र है बोट बाज़ार का। आसपास रौनके ही रौनके, और इसलिए तो कहते हैं ना कि पेशावर हो पेशावर देखना आओ कहना लाला। पेशावर में भी दूसरे शहरों की तरह सबसे बड़ा मसला पार्किंग का मसला होता है। मतलब आपने ना कहीं भी जाना है, चाहे वो सदर है, टाउन है, या फिर कोई भी जगह है, आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए भी हमने अपनी गाड़ी साइड पे खड़ी करके, हम टैक्सी में बैठे और थोड़ी ही दूर हमने जाना था, तो हमने कहा यार अपनी गाड़ी को इधर उधर ले जाने की बजाय टैक्सी में चले जाते हैं। बोट बाज़ार जाने के बाद हम यूनिवर्सिटी टाउन गए, वहाँ से अपना काम ख़त्म करके वापस हम अपनी गाड़ी के पास आए तो देखा ट्रैफिक पुलिस वाला हमारी गाड़ी जो है वो फुटपाथ पे चढ़ाने ही वाला था, और हमने उसको रोक लिया, भैया जी रुक जाए, हमारी गाड़ी है। तो बस कुछ ले दे के हमने मामला रफा दफा किया और यहाँ हम स्टक हो गए थे क्योंकि छुट्टी का टाइम था, बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी स्कूल कॉलेजेस की, तो यहाँ हम स्टक हो गए थे। लेकिन आसपास नज़ारे बहुत खूबसूरत थे, चीज़ें लगी हुई थी और दरख्त के नीचे इन्होंने सामान रखा हुआ था। ये देखें बड़े बड़े दरख्त हैं, दिखने में ये चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही थी लेकिन बस हम इनको देख के महसूस हो सकते थे, हम ख़रीद नहीं सकते थे ना नीचे उतर सकते थे क्योंकि आगे भी बहुत गाड़ियाँ थी, पीछे भी बहुत गाड़ियाँ थी और दरमियान में हमारी गाड़ी फंसी हुई थी। तो बहुत धीरे धीरे चींटी की चाल हम चल रहे थे, तो साथ में हमने कहा चलो थोड़ा सुनते हैं म्यूज़िक, थोड़ा खाते हैं नमक पारे और टाइम पास करते हैं। अम्मी की कंपनी में वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और अम्मी भी मेरी कंपनी में काफ़ी खुश रहती हैं, तो हम बिल्कुल भी बोर नहीं हुए थे। हाँ मेरे दो इम्पॉर्टेंट काम रह गए थे लेकिन अम्मी बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती, वो चल नहीं सकती, थक जाती हैं, तो मैंने कहा चलें फिर कभी वो काम कर लेंगे। ये तो सही है वाला मेरा और वो जे 800 रुपए मूल है जोड़े 700 रुपए और 600 गिरे 600 का 50 रुपए रावड़ यो बोजे का भाई रावड़ सुबह बोजे खले की दा रस्ते सीट के सब रख खला सामान करता और भाई तकरीबन 3:30 बज चुके थे, हमें लग गई थी शदीद किस्म की भूख। सो हमने साग यानी कि पालक और रोटी खाई। बहुत सारे लोग बाहर चिकन खाते हैं, गोश्त खाते हैं, जो हम बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। हम लोग पेशावर जाएं और हाजियान में ना रुकें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो खाना वाना भी खा लिया है और क्या ज़बरदस्त टेस्टी किस्म की ना सब्ज़ी बनी हुई थी, मज़ा आ गया, स्वाद आ गया, और चाय भी पी ली। तो बस अभी निकलते हैं फिर से, मैं भी ताज़ा दम हो गई हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो गई थी, मैंने अपनी टांगे भी सीधी कर ली थी क्योंकि तकिया लगा हुआ था, तो ड्राइव करते करते मैं भी काफ़ी थक गई थी। फिर ड्राइव के अलावा भी चल चल के बाज़ार में काफ़ी मुझे थकावट हो गई थी। सो अभी हम ताज़ा दम हो गए और अम्मी सामने से हलवा ले रही है, हलवा ले कर वो जैसे ही आती हैं तो फिर बस हम फिर निकलते हैं। हाँ खलफान ने फरमाइश की थी, खलफान कि मेरे लिए कबाब ले आना, तो मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए पप्पू कबाब वाले से कबाब लाऊँ या वो दूसरा जो है उससे मैं लेकर आऊँ। Oh,
पक्का पर होते कितने खुले वाटे रहेंगे भालम पे ऐसे गर्मी दिल्ली है सर्दी खुश्क मौसम खांसी ज़ुकाम वायरल इन्फेक्शन बारिशें हो नहीं रही तो अजीब सा मौसम और माहौल बना हुआ है। बस हम लोगों ने पिशावर में अपना सारा काम निपटा के और हाँ एक दो काम रह गए थे वो छोड़ के लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम था वो निपटा के वापस हमको हार्ट वापस आ रहे थे और ये हम टनल से बाहर थे। टनल के बाहर जो टूर प्लाजा आता है वहाँ करीब ही तकरीबन हम पहुँच गए थे और यहाँ हुई हमारी किसी से मुलाकात जिसे कोहाट का गोल्डन मैन कहा जाता है उनसे हमारी काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक है खैरियत से मैडम मैं वेपी रोड खोलता हूं बस जजाकला पहचाना मुझे जी ले बच्चों के लिए खुशी ले जाए कबूल कर मेहरबान बड़ा दुख हुआ मैडम आप वीडियो मैंने देखी अच्छा बस दुआ में याद रखा करें मुझे स्पेशली थैंक यू। शाम का अंधेरा आसमान की ये सुर्खी न जाने क्या क्या कहानियां अपने अंदर समोए हुए हैं लेकिन एक बात तो तय है कि शाम होते ही इंसान कुछ अजीब सी उदासी कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार हो जाता है। फाइनली हम लोग अपने केडीए पहुंच आए हैं और खलफान साहब जो हैं वो मेरा अम्मी के ऑफिस में इंतज़ार कर रहे थे और मैंने अम्मी को वहां ऑफिस में ड्रॉप किया क्योंकि वहां अम्मी अपनी गाड़ी लेकर तो फिर घर जाएगी। तो खलफान ने कहा चलो जी सीटें चेंज कर लो। मैंने कहा यार श्योर वाई नॉट मैं भी थोड़ी रिलैक्स हो जाऊंगी। वैसे पैसेंजर सीट पे बैठ के भी बहुत मज़ा आता है बंदा रिलैक्स हो जाता है। आप जब इस सीट पे बैठे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है। चलें जी आज हो गई है बहुत सारी थकावट शाम हो गई है और अभी हम घर जाएंगे बाबा के लिए खाना छाना बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।